गाड़ी आगे थोड़ा कंटेनर आगे ले जाए, थोड़ा से झटका लगा के आराम और कंटेनर आगे ले जाए, और आगे ले जाए जी, और आगे ले जाए, थोड़ी और आगे ले जाए। बस यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है जी, बस रोक दो जी, बंद रखेंगे। आपका खिताब शुरू हो रहा है जी, वो मेहरबानी करके जी को सलाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज यहाँ आपके जगह था और उसकी बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत, उसकी बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत जाली हुकूमत है और हम इस जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हो चुका है, जालियों ने आवाम का जीना धोखा कर दिया है। पाकिस्तान माशी लिहाज से बैठ रहा है, उसकी कश्ती खशकोले खा रही है और जब मईशत डूबती है तो मुल्क के जोग्राफी तब्दील हो जाता का सफर है, उसकी सलामती का सफर है, एक जद्दोजहद का सफर है। जब तक ये ना अहल हो कुरान, न मुल्क की मईशत बेहतर हो, गरीब इंसान सुबह शाम की इज्जत की रोटी खा सकता है, न पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल रोशन हो। दूसरों के जख्मों का मरहम हुआ करते हैं तो अपने जख्मों के रिश्ते हुए खून देख उनको खवातीन असाज़ा को सड़कों पर इस जुल्म और बर्बर, आज ताजर महफूज है, न कारोबारी तबका महफूज है, न पाकिस्तान के अंदर किसान मुतमैन है, न मजदूर मुतमैन है। जब आम तो उठेगा और यकीनन पाकिस्तान की सियासी क़यादत ऐसे मौके पर यकजान होकर आम आदमी की आवाज बन जाए, तमाम सियासी जमातों का। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे एहसास है सियासी क्यादत को जेलों के तरफ धकेल दिया गया है, बस दीवार जिंदान धकेल। ये एहतसाब और एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ ये ड्रामे, हमारी सियासी क्यादत जेलों में भी है और वहां बीमार भी, बीमारी के सफायाबी के लिए इज्जत सेहत के साथ उनको आवाम के सफों में लाए ताकि शाना बशाना हम इस मुल्क की बका की जंग लड़ सके। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, आपने हमें खुशामदीद कहा है, अब एक कदम होकर हाथ में हाथ मिलाकर इस्लामाबाद की तरफ सफर रवाना कर दीजिए ताकि कल इस्लामाबाद में हम दाखिल हो तो ये कौम नजर आए कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक स्टेज पर है, एक सफ में है और एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में की सरबुलंदी होनी चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना है, वहां ये मुजाहरा होना चाहिए कि नामू से रिसालत को कोई काज नहीं आने दिया जाएगा, वहां ये वादा कर दिया जाए नबूवत पर कोई आज नहीं आने दिया जाएगा, वहां वादे कर दिया जाए, वहां वादे कर दिया जाए कि आईन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, वहां वादे किया जाए कि इस मुल्क को जमहूरी चलेगा और आवाम के वोट को इज्जत दी जाएगी, कौम को वापस लौटाई जाएगी। इंशाल्लाह इस जज्बे के साथ पूरी कौम एक है,
آگے بڑھے اور اپنے صفوں میں اعتماد پیدا کر کے ایک قوم کا شکریہ گجرات والا. کوئی گجرات والا کے پہلوانوں جواب دے لو. ابھی اگلا خطاب شیراوالا باغ پر ہوگا. چلو چلے اسلام آباد, چلو چلے اسلام آباد, چلو چلے اسلام آباد. جمعیت کے تمام کارکنان سے درخواست ہے کہ جمعیت کی تازہ اپڈیٹس کے لیے سیف ٹی وی چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو